हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर अंसार अहमद वेलकम यू ऑल टू दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रजिस्टर्स। टुडे वी विल सी काउंटर्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काउंटर्स और उसके कौन से टाइप होते हैं। नाउ द व्हाट इज़ काउंटर। काउंटर हम किसको कहते हैं? काउंटर मीन्स काउंटिंग ऑफ पल्सेस, हम पल्सेस को काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम जो है क्या करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, काउंटर्स। या फिर उसकी जो है बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, द डिजिट सर्किट, डिजिटल सर्किट दैट यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्सेस इज नोन एज काउंटर। सो इट इज़ अ सिक्वेंशियल सर्किट। हमको पता है कि ये सिक्वेंशियल सर्किट है, इसके अंदर हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर फीडबैक चीज़ आती है, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं, तो वो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है। नाउ काउंटर काउंट्स द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस और स्टेट्स। हम उसको क्लॉक पल्सेस या फिर स्टेट्स उसके अंदर हम काउंट करते हैं। सो हमको पता है कि वी कैन यूज़ फॉर मेजरिंग फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड। इससे हम जब काउंटिंग पल्सेस कर रहे हैं तो इससे हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, टाइमर। ओके, तो जब हम टाइम फाइंड करें तो फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, तो सेम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। सो इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। सो इसके अलावा भी हम जो है, इट कैन बी यूज फॉर मेजर डिस्टेंस एंड स्पीड। हम डिस्टेंस और स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। इन डिजिटल वोल्ट मीटर के अंदर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर भी हम यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर्स, उसके अलग अलग जो है काउंटर्स के टाइप होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द वे इन विच द काउंटर आउटपुट चेंजेस, काउंटर आउटपुट कैसा चेंज होता है उसके ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटर्स। वन इज़ अप काउंटर, डाउन काउंटर एंड द थर्ड वन इज़ अप डाउन काउंटर। और सिंक्रोनस असिंक्रोनस का मैं आपको आगे बताऊँगा इसमें कैसे होता है। तो नाउ बहुत सिंपल है, अप काउंटर। अप काउंटर में क्या होगा, सिंपल हमारी जो काउंटिंग होंगी, काउंटर्स दैट काउंट फ्रॉम स्मॉल टू बिग, स्मॉल से बिग तक अगर कभी काउंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अप काउंटर। ओके, तो काउंट देयर आउटपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज दे रिसीव क्लॉक पल्सेस। जैसे क्लॉक पल्सेस मिलेंगे तो उसका काउंट इंक्रीज होता जाएगा। उसका एग्जांपल है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे जो है अप काउंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अप काउंटर। सिमिलरली डाउन काउंटर्स हैं, तो डाउन काउंटर्स आर द काउंटर्स दैट काउंट फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। जब लार्ज से स्मॉल की तरफ अगर कभी काउंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ डाउन काउंटर। या फिर उसके आउटपुट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द रिसीव क्लॉक पल्सेस। जैसे क्लॉक पल्सेस मिलेंगे वो उसका काउंटिंग डिक्रीज होता है तो हम उसको डाउन काउंटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, ऐसे जो काउंटर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन काउंटर। द नेक्स्ट वन इज दैट इज अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर में क्या होंगे, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। वो कॉम्बिनेशन रहेगा अप काउंटर का और डाउन काउंटर का। ओके, तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास में, दैट इज फर्स्ट वन इज़ असिंक्रोनस काउंटर एंड सेकेंड वन इज सिंक्रोनस काउंटर। तो एक्चुअल जो है असिंक्रोनस काउंटर, यानी कि उसका अलग अलग नेम्स है, ये नेम्स आपको याद रखना है, असिंक्रोनस या फिर रिपल या फिर उसको बोलेंगे हम सीरियल, सीरियल काउंटर या फिर रिपल काउंटर या फिर असिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का सेकेंड नेम क्या है, पैरेलल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर या फिर पैरेलल काउंटर। नाउ अब ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है और इसका कैसे जो है क्या डिफरेंस है उसमें वो हम देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़ असिंक्रोनस काउंटर। तो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, द ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक्ड साइमल्टेनियसली। सारे फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली क्लॉक सिग्नल नहीं मिलता है। ओके, नॉट साइमल्टेनियसली गेटिंग क्लॉक सिग्नल्स, सो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ऐसे उसको असिंक्रोनस काउंटर। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल है इज़ अप्लाई टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हम जो है एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं और फिर देन द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज़ कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जो प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप रहता उसका आउटपुट जो है नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक सिग्नल को देते हैं हम। ओके, यानी कि जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसको जो क्लॉक सिग्नल मिलेगा वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिलेगा। ओके, तो क्लॉक सिग्नल सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को हम देंगे, एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल,
एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल इज गिव अप्लाई टू ऑन दी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा, और फिर सेकेंड जो फ्लिप फ्लॉप है उसको क्लॉक सिग्नल कैसे मिलेंगे, जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा वो आउटपुट कनेक्टेड रहेगा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक को, ओके okay? वैसे ही थर्ड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल कहाँ से मिलेंगे, थर्ड फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक सिग्नल मिलेंगे वो सेकेंड का जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट कनेक्टेड रहेगा जो है हमारे थर्ड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक सिग्नल को, ओके सो द आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग या प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज असिंक्रोनस काउंटर या फिर सीरियल काउंटर, सीरियली जो है क्लॉक सिग्नल मिल रहा है सबको एक के बाद एक, ओके या फिर उसको हम रिपल काउंटर बोलेंगे। नाउ उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, हम जो है सिर्फ क्या करें, सिर्फ एवरी फ्लॉप ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप हैज़ इट्स ओन प्रोपेगेशन डिले, हर फ्लिप फ्लॉप का एक अलग अलग प्रोपेगेशन डिले होता है, तो रिपल काउंटर में या फिर असिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड एज क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, हैंस द प्रोपेगेशन डिले गोज ऑन इंक्रीजिंग, उससे क्या होगा प्रोपेगेशन डिले जो है इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले, फिर उसको सेकेंड को हम क्लॉक सिग्नल दे दें, फिर सेकेंड वाला एक्टिवेट होगा, फिर थर्ड वाला एक्टिवेट होगा, तो ऐसे उसमें क्या होगा प्रोपेगेशन डिले इंक्रीज होता जाएगा, ओके तो फॉर अ 3-bit रिपल काउंटर द प्रोपेगेशन डिले ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप गेट्स एडेड टू द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप से सेकेंड से थर्ड वन, तो ऐसे जो है उसका जो है इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा द प्रोपेगेशन डिले गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, सो दिस इज द लिमिट फॉर द मिनिमम मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी, इससे क्लॉक फ्रिक्वेंसी में हमारे पास इफेक्ट करेगी। नाउ जो सेकेंड है जैसे सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा इफ़ द क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स इन अ काउंटर साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक सिग्नल्स देंगे, ओके सबको एक साथ देना है साइमल्टेनियसली देना है, तो उसको हम वैसे काउंटर को क्या बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर, या फिर उसको हम बोलते हैं पैरेलल काउंटर। पैरेलली हम क्या कर रहे हैं सारे फ्लिप फ्लॉप को जो है क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल साइमल्टेनियसली एक साथ, ओके सो देन सच अ काउंटर इज कॉल्ड एज व्हाट सिंक्रोनस काउंटर, या फिर उसको हम बोलेंगे पैरेलल काउंटर, ओके सो द फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड बाय द सेम क्लॉक पल्स, इसको हम क्या दैट इज रिन काउंटर या फिर जॉनसन काउंटर उसकी एग्जाम्पल्स हैं सिंक्रोनस काउंटर की, ओके नेक्स्ट ये है कि जो क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं हम जो है सबको साइमल्टेनियसली दे रहे हैं तो उसका प्रोपेगेशन डिले जो रहेगा वो हमारा कम रहेगा। इसका हम सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, तो असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर में तो फर्स्ट पैरामीटर ये है कि सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी में जो है तो जो असिंक्रोनस काउंटर है या फिर जो हमारा सीरियल काउंटर है उसमें क्या होगा लॉजिक सर्किट इज सिंपल, उसके अंदर लॉजिक सर्किट सिंपल रहेगा, लेकिन जो सिंक्रोनस काउंटर है या पैरेलल काउंटर है उसके अंदर लॉजिक सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ काउंट्स ज़्यादा होंगे एक्चुअली, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ओके फिर क्लॉक सिग्नल हमको पता है कि असिंक्रोनस में क्या करते हैं हम ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट क्लॉक साइमल्टेनियसली, सारे जो है फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली क्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं असिंक्रोनस काउंटर में, और सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है ऑल फ्लिप फ्लॉप्स रिसीव क्लॉक सिग्नल साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक सिग्नल मिलते हैं। थर्ड वन इज कनेक्शन पैटर्न कैसा होगा उसमें असिंक्रोनस काउंटर में दैट इज आउटपुट ऑफ प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो प्रीवियस जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट जो है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक सिग्नल को अप्लाइड करते हैं, और इसके अंदर क्या होगा दैट इज नो कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग फ्लिप फ्लॉप एंड क्लॉक ऑफ द नेक्स्ट वन, सिंक्रोनस काउंटर में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रहता है साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक देते हैं। स्पीड क्या है मैंने अभी आपको बताया था कि स्पीड लिमिटेशन है किसके अंदर असिंक्रोनस काउंटर में, सीरियल काउंटर के अंदर स्पीड लिमिटेशन है और जो है सिंक्रोनस काउंटर में स्पीड इज मोर। नेक्स्ट वन इज ग्लिच किसको बोलते हैं दैट इज अनवांटेड शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स जो रहती है उसको हम क्या बोलेंगे ग्लिच, तो इट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लिच, द असिंक्रोनस काउंटर है सीरियल जो काउंटर है उसके अंदर ग्लिचेस आते हैं एक्चुअली, वो एक उसका जो है प्रॉब्लम है मेन, और जब जो साइमल्टेनियस जो सिंक्रोनस काउंटर है या फिर जो उसको पैरेलल काउंटर बोलते हैं तो उसके अंदर नो प्रॉब्लम ऑफ ग्लिच, उसमें ग्लिचेस नहीं रहते साइमल्टेनियसली सबको क्लॉक देते हैं तो उसमें कोई ग्लिच नहीं आते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट वन क्लॉक फ्रिक्वेंसी, तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी एक्चुअली जो असिंक्रोनस काउंटर है वो लो क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है
और जो है जो सिंक्रोनस काउंटर है या पैरेलल काउंटर है उसकी हाई क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेंगे। सेटलिंग टाइम भी इसके अंदर जो है सेटलिंग टाइम भी मोर रहेगा, क्योंकि जो है सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम अलग अलग सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दे रहे हैं हम एज अ क्लॉक सिग्नल, तो उसमें सेटलिंग टाइम उसका जो है ज़्यादा रहेगा। और जो पैरेलल काउंटर है उसके अंदर सेटलिंग टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि जो है साइमल्टेनियसली सबको हम जो है क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं। तो प्रोपेगेशन डिले भी अभी क्योंकि हमको काउंट करना है, तो प्रोपेगेशन डिले हमें जो असिंक्रोनस काउंटर है, असिंक्रोनस काउंटर में क्या करना पड़ेगा, हम एन इंटू टी डी, टी डी क्या है, वर एन इज़ द नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स, कितने फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, और टी डी इज़ द प्रोपेगेशन डिले ऑफ पर फ्लिप फ्लॉप, पर फ्लिप फ्लॉप को कितने प्रोपेगेशन डिले आ रहा है इंटू नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स। क्योंकि प्रोपेगेशन यानी कि असिंक्रोनस काउंटर में क्या हो रहा है, पहले हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल दे रहे एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल, फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल कहाँ से मिलता, प्रीवियस के जो है आउटपुट से मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिले होगा एक्चुअली। ओके, तो ये जो जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो इतने सबका डिले इसके अंदर काउंट होगा, तो एन इंटू टी डी, तो एक फ्लिप फ्लॉप का कितना प्रोपेगेशन डिले है इंटू नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स, वो इसके अंदर काउंट होंगे। ओके, और जो पैरेलल काउंटर है उसके अंदर सिर्फ साइमल्टेनियसली हम सबको एक साथ ही जो है क्लॉक सिग्नल दे रहे हैं, तो डिले नहीं, प्रोपेगेशन डिले सिर्फ क्या रहेंगे, सिर्फ एक ही क्लॉक्स, एक ही जो है हमारे पास में एक ही फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपेगेशन डिले है वो काउंट होगा, टी डी प्लस टी डी जो है गेट, जो कोई गेट अगर कभी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो गेट का जो है प्रोपेगेशन डिले। तो जो पैरेलल काउंटर है उसका शॉर्ट प्रोपेगेशन डिले होता है, और जो सीरियल काउंटर है उसके अंदर लॉन्ग प्रोपेगेशन डिले, डिफरेंस आपको याद रखना है, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, डिजिटल क्लॉक में हम यूज़ करते हैं, क्लॉक में जो भी आपके जहाँ पर भी क्लॉक आएगा तो वहाँ पर बस में काउंटर्स रहेंगे। ओके, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, फिर डिजिटल वोल्ट मीटर के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसके बाद में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, टू काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और फिर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लीनियर सिक्वेंस जनरेटर, सिक्वेंस अगर कभी आपको कुछ जनरेट करना है तो वो वहाँ पर भी यूज़ होता है, और टाइम मेजरमेंट के अंदर भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर काउंटिंग आएंगी 1, 2, 3, 4। ओके, या फिर क्लॉक आएगा तो वहाँ पर भी क्या होंगे, क्लॉक भी क्या रहता है, नंबर ऑफ जो है पल्सेस रहेंगे, या फिर जो है कितने जो है नंबर्स हैं वही नंबर्स का जो है काउंटिंग रहती है एक्चुअली वो भी, तो जहाँ पर भी जो है काउंटिंग आएगी तो वहाँ पर हम इसका काउंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट काउंटर, काउंटर जो है हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, फॉर एग्जांपल हमको जो है 10 तक काउंट करना है, 10 तक काउंट करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे हमको। ओके, 5 तक काउंट करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 50 तक काउंट करना है मुझको तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ओके, तो ये हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन क्या है, कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू 2^m, कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू 2^m, यानी 2^m ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए कैपिटल एन के। ओके, तो एन क्या है, दैट इज़ मॉड वैल्यू है, मॉड वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है मॉड वैल्यू, तो उसकी काउंटिंग कहाँ से होंगी, 0 से 9 तक रहेगी। ओके, 10 नंबर के साथ हम एक्चुअली काउंटिंग हमारी 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मॉड 10 है, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि दैट इज़ 0 to 9। ओके, और स्मॉल m, जो स्मॉल m है ये क्या है, नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स। अब हमको पता है कि एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डाटा हम जो है स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो m क्या है, ये नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स है, या फिर हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ़ बिट्स, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही डाटा स्टोर कर सकते हैं, अगर भी 3 फ्लिप फ्लॉप रहेंगे तो यानी कि 3 बिट्स रहेंगे, वो 3 बिट का काउंटर है। ओके, तो नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप m यानी कि नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप या फिर नंबर ऑफ़ बिट्स इसको बोलेंगे। ओके, तो ये इसके लिए सिंपल क्या है, कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू 2^m, यह फार्मूला याद रखना है हमको। नाउ फॉर एग्जांपल अगर कभी 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर यानी कि क्या रहेंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, जितने बिट उतना फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर मोड 6 काउंटर, अब हमको जो है नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स मालूम करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे हमको, हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसा है कि फॉर मोड 6 काउंटर, मोड 6 काउंटर यानी कि हमको कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, 0 से 5 तक काउंट करना है। ओके, तो वो उसके नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कैसे फाइंड करेंगे हम,
तो हम बस में ये फॉर्मूला है कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू रेस्ट टू एम। तो कैपिटल एन यहाँ पर दिया हुआ है 6, ओके, लेस देन इक्वल टू रेस्ट टू एम। अब यहाँ पर एम की वैल्यू क्या लेंगे हम, एम की वैल्यू 2 ली हमने, फॉर एग्जाम्पल 2 लिए, तो 2 रेस्ट टू 2 कितने 4, तो 4 इक्वल भी नहीं है और ग्रेटर देन भी नहीं है 6 के, तो हमको 3 लेना पड़ेंगे। जब 3 हम लेंगे 2 रेस्ट टू 3, यानी कितना हो जाएगा वो 8, तो 8 चलेगा, 8 क्या है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 8 चल जाएगा, तो हमको क्या लेंगे, क्या लेना पड़ेगा, एम इज इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड है 3। हमको अगर कभी मॉड 6 काउंटर डिज़ाइन करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल फॉर डिकेड काउंटर, डिकेड यानी कि 10, ओके, डिकेड यानी कि मॉड 10, या फिर बी सी डी काउंटर भी बोलते होंगे उसको, बाइनरी कोडेड डेसिमल बी सी डी काउंटर भी बोलते हैं उसको, तो मॉड 10 में क्या होगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 10 है, तो 10 लेस देन इक्वल टू 2 रेस्ट टू एम। अब एम कितना लेंगे, एम अगर कभी 3 ली हमने तो 2 रेस्ट टू 3, यानी कि कितना हो जाएगा 8, तो 8 ग्रेटर देन या इक्वल है क्या 10 के, नहीं, तो हमको कितना लेंगे, 4 लेना पड़ेगा, ज़्यादा रहे तो चलेंगे लेकिन कम नहीं होना चाहिए 10 से, तो हमने 4 लिए, ओके, तो 2 रेस्ट टू 4 यानी कि 16 तक जा रहा है वो, 16 इज़ ग्रेटर देन 10, जिससे हम उसको 4 लेंगे, 3 लिए तो 8 लेंगे, तो 8 तो नहीं आ रहा है, ओके, इसलिए हमको 4 लेना पड़ेगा, 4 लिए तो कितना है 16 चलेगा, ओके, तो 2 रेस्ट टू 4 लेंगे हम, तो वैसे 10 आ जाएगा, ओके। तो 4 नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कितने रिक्वायर्ड है हमको, 4 फ्लिप फ्लॉप्स, अगर हमको मॉड 10 काउंटर डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमको 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल एक टेबल गिवन है कि मॉड एन 5 के लिए नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कितने 3 रिक्वायर्ड है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वैसे 83, 99 ये आपको पूछ सकता है ना, 83 के लिए कितने रिक्वायर्ड है, 99 के लिए कितने रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा सा आप उसके लिए काउंट कर लो, और बस यहाँ पर जो है फॉर्मूला गिवन है कैपिटल एन लेस देन इक्वल टू 2 रेस्ट टू एम, ओके, 2 रेस्ट टू एम ये फॉर्मूला में डाल के उसको काउंट करो तो 77 आएगा, ओके। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जो है अगले जो है वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।